कृष्ण में हुए भगदड़ मामले में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने आज पीड़ित परिवारों के घर पर जाकर मुलाकात की। पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कई सारे गंभीर सवाल प्रशासन के ऊपर भी उठाए और सरकार के ऊपर भी उठाए। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने इस दौरान जमकर आपको बता दें कि सरकार के ऊपर भड़ास निकाले। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा पीड़ित परिवार को तत्काल मुआवजा है वो दिया जाना चाहिए, साथ ही उनके इस तरीके की घटनाक्रम दोबारा ना हो इसके सुनिश्चित व्यवस्था की जानी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के साथ बहुजन समाज पार्टी की स्थानीय कमेटी और लोग भी है वो मौजूद रहे। बीएसपी के कार्यकर्ता नेता पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। हाथरस पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने जमकर शासन और प्रशासन पर निशाना साधा है। वो क्या कुछ कह रहे हैं कि परिवार को अपनी संतावना दी है, मान्य बेंच के निर्देश पर हम लोग आए हैं और हम चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, शासन इसको गंभीरता से ले और प्रशासन ने जिस प्रशासन ने इस कार्यक्रम को करने की अनुमति दी थी इस प्रशासन की भी दायित्व और जिम्मेदारी बनती है कि इसकी इस तरह की घटनाएं ना हो। और मैं निश्चित ही मांग करूंगा सरकार से कि इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए कि इसके दोषी कौन से लोग हैं। इसमें यहाँ का जो प्रशासन है ये भी दोषी है, क्योंकि अगर परमिशन आपने कार्यक्रम का दिया है तो निश्चित है कार्यक्रम की इस तरह समुचित व्यवस्था करानी चाहिए और जो आयोजक बंधु हैं उनको भी इस चीज पर देना चाहिए, निश्चित इसकी जाँच होनी चाहिए। और जो ये पीड़ित परिवार हैं, मृतक के परिवार हैं, इनको निश्चित है आर्थिक सहायता भी सरकार को देनी चाहिए।